ये वोल्टा हमने मंगाया, पुनीत खोल के दिखाएगी इसको। हम सोच रहे हैं इसको वापस दे के आ जाए। तो भाई हम लोग निकल गए यार, पुनीत का डोनट भी निकल, थोड़ा सा मेरे को भी देना पड़ेगा अपनी। ये भी थी हमारे पास, हमने ब्लैक घोस्ट लेनी है ना। ये रेड पैरेट है, ये येलो पैरेट है। आ गया क्या हो गया पुनीत? अरे पापा वो मेरे को निशाने मेरे है? थे ना, वो मेरे को मच्छर नहीं काटे होते थे ना पहले, तो मैं उनको काट वो ऐसे छीन लेती थी, उसके निशान पड़ गए। और आज का क्या प्लान है पुनीत हमारा? आज हम लेने जा रहे हैं हमारी फिशेज, और उस फिश का पापा क्या करना है। और हाँ वो काली वाली फिश ले आना, वो लंबी से वो अच्छी थी। काली वाली वही लेने जाए, घोस्ट फिश ना। घोस्ट है वो, घोस्ट आ रहा है। नाइफ फिश भी बोलते हैं उसको, घोस्ट भी बोलते हैं, फेदर फिश भी बोलते हैं। हाँ सो हे गाइस, की हालचाल चारों, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। कुकर मास्टर और मेरा क्या आया है गुनीत, खाओगे आप? पापा का आ गया वोल्टा, जो हमने गोप्रो के लिए मंगवाया था। हाँ गोप्रो के लिए एक वोल्टा, एक वो है क्या कहते हैं एक्सेसरी। गुनीत खोल के दिखाएगी या मैं खोल के दिखाऊं? ये देखो यार गोप्रो है, ये गोप्रो के ऊपर मैंने मीडिया मॉड लगा रखा है। तो इससे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये वोल्टा हमने मंगाया, गुनीत खोल के दिखाएगी। इसको कहते हैं वोल्टा। ये गोप्रो की गोप्रो 9 के साथ और गोप्रो 10 के साथ आप लगा सकते हैं। अभी गोप्रो 9 है मेरे पास, तो मैं 11 का वेट कर रहा हूँ। जब गोप्रो 11 आएगा तो मैं लूंगा, 10 मैंने लिया नहीं है। एक स्किप करके लेता हूँ मैं वर्जन, चाहे वो फोन हो चाहे वो। फायदा क्या है फिर? आपने तो सीधा 13 ही ले लिया था 10 से, तो हाँ 11 से नहीं, हाँ 11 से आपने सीधा 13 भी पहुंच गए थे। हाँ तो गाइस पता है क्या है, ये मैंने खोल दिया था ऑलरेडी। मेरी इतनी ज्यादा एक्साइटेड था मैं इसको देखने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी खोल दिया था, दोबारा से पैक कर गया। जब हमारी लाइट गई थी, लाइट वाला व्लॉग भी पापा ने पहले खोल लिया था, तब हमने तब तक व्लॉग। ये देखो दोबारा से पैक करा है आप लोगों को दिखाने के लिए। एक बार मैंने क्या क्या इसमें सामान रखा है यार, आप निकालो तब तक मैं ऐसे कर दूंगा ना, बस ऐसे कर दो आ जाएगा। बस उल्टा खोल दिया। तो गाइस ये देखो, ये है हमारा वोल्टा। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं, आपको कैमरे पे लगा के दिखाता हूँ। 1 2 3 एंड। सो गाइस ये देखो, ये लग गया हमारा वोल्टा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये पूरा इसका रिमोट भी काम करता है यहाँ से। इसको मैं अगर ऑन करना है कैमरे को तो मैं इसको दबाऊंगा, और ये देखना अपना कैमरा ऑन हो जाएगा। एंटेना एंड ये गोप्रो ऑन हो गया, और ऊपर मैंने लाइट लगा रखी है। और गाइस इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है ना, वो पता है क्या है, इसमें इनबिल्ट बैटरी है। आपको अगर गोप्रो के साथ बैटरी कैरी नहीं करनी पड़ेगी, जो कि सबसे ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि गाइस गोप्रो में क्या है, बैटरी बहुत जल्दी वीक हो जाती है गोप्रो की। तो ये 3 बैटरियां, एक बैटरी आपकी गोप्रो की होगी और 3 बैटरियां, ये चार्ज इसमें इतना पावर है कि ये 3 बैटरियां चार्ज कर सकता है। तो ये इसमें लगा रहता है, और देखो गोप्रो चार्ज हो रहा है ऑलरेडी। तो गोप्रो चार्जिंग में अभी दिख नहीं रहा है इसमें लाइट की वजह से, तो गोप्रो चार्ज होता रहता है, तो आपको गोप्रो चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इसी से अब मैं बटन दबाऊंगा, ये देखो यहाँ से रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैंने ये दोबारा दबाया, और रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होती है तो रेड लाइट भी दिखाता है यहाँ पे, ताकि आपको पता लगे। आप देखो व्हाइट हो गई लाइट इसकी, इससे ही हम इसको ऑफ कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये नीचे वाला बटन है, एक बार प्रेस करोगे तो मोड चेंज होते रहेंगे इसके। मतलब ये एज अ रिमोट भी यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ आप गोप्रो को वहां लगा दो और इसको हाथ में पकड़ लो, तो एज अ रिमोट भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको आपकी ऊपर की लाइट चार्ज करनी है तो वो भी इससे चार्ज कर सकते हो। इवन कि आप अपना फोन एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो, यूएसबी सी वाला आपके पास कोई फोन है तो वो भी चार्ज कर सकते हो। और इसमें ट्राइपॉड भी है नीचे। और गाइस इसका ये जो ऊपर की लाइट है, इसको भी हम इससे चार्ज कर सकते हैं। ये मीडिया मोड आपको साथ में नहीं मिलता है, तो ये मीडिया मोड अलग से मिलता है। इसका एक क्रिएटर किट भी आती है, वो लेनी है तो उसमें मीडिया मोड भी इंक्लूड मिलता है। और देखो गाइस इसमें एक चीज और है, ये ट्राइपॉड भी बन जाता है, तो इसको ट्राइपॉड भी यूज कर सकते हो एज अ। अच्छा गाइस ये इसमें एक ये क्लिप है गोप्रो वाली जो होती है स्टैंडर्ड, इसको अब यहाँ पे ऐसे लगा दो। वो एक मैंने मंगवाया और वो लगाने के लिए, और भाई मुझे तो ये सब चीज़ें खरीदने में शौक है बहुत। और ये अभी तक पता है इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है, मैंने फटाफट मंगवा लिया है। और थोड़ा सा इवन के मेरे को महंगा भी पड़ा है 2-3 हज़ार, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरे को चाहिए, तो मैंने मंगवा लिया। और इसको आप मैं आपको दिखाता हूँ गोप्रो, ये बिना मीडिया मोड के, जिसके पास मीडिया मोड नहीं है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इवन के बिना ब्लूटूथ के भी काम करता है, सिर्फ ये केबल लगा दो और क्विक कैप्चर जो होता है, क्विक कैप्चर भी। अरे कहना क्या चाहते हो? क्विक कैप्चर भी काम करता है इसमें, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे बड़ी बात है मेरे को यार बैटरी कैरी नहीं करनी पड़ेगी, ये अपना लगा लिया वोल्टा और चलो बैटरी कैरी करने की जरूरत नहीं है, चार्जिंग की जरूरत ही नहीं है। और जो मैं घुमा के आई हूँ वो मिल जाएगा? घुमाना ही होता है, वो नहीं मिलेगा ना। ये नया मीडिया मोड पूरा 9,000 का लेना पड़ेगा, तेरे 50 रुपए की चीज के पीछे पूरे 9,000 का नुकसान करवा दिया तुमने। तो मैंने भी तो अब मैं फिर हरप्रीत HDC बनी थी ना पॉकेट में लगा के। HDC अभी तक यही नहीं बताया, HDC तो बोला ही नहीं मैंने। और ये देखो बनी, तेरे लिए नहीं रखा है हमने, तेरे लिए नहीं है, खाने के लिए। खा ले। ये एक इसके साथ ये एक्स्ट्रा डोर मिलता है जब आप खाली गोप्रो के साथ लगाते हो, तो ये कैसा लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो नॉर्मल जब गोप्रो से आप मीडियम मोड को उतार देते हो तो ये ऐसे लगता है। इसको ये डोर जो एक्स्ट्रा मिलता है
और इसको ऐसे लगा दो इसमें, ये लग गया एकदम फिक्स आ जाता है। लेकिन गाइज एक बात का ध्यान रखना, आप इसको पानी में लेके नहीं जा सकते हो घोखरो की तरह। दिस इज नॉट वाटर प्रूफ, दिस इज वाटर रेजिस्टेंट, मतलब आप बारिश में या वैसे लेके घूम सकते हो लेकिन पानी के अंदर नहीं डुबा सकते इसको। अब देखना मैं इसको ऑफ करूंगा कैमरे को और ये कैमरा हो जाएगा इससे ऑफ। कैमरा ऑफ हो गया, मस्त चीज है, मजा आ गया गाइज, वाली चीज है। और गाइज मेरी रोटी आ गई है, पाव भाजी बनाई थी लेकिन पाव मैंने खाने नहीं है क्योंकि मेरा फिर से पाव बाहर आता जा रहा है, थोड़ा पाव को अंदर रखना है इसलिए। और देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है, गुनीत करिए, गुनीत को खेलने। यार तुम लोग ये करते रहोगे, मैं 5 मिनट में रोटी खा लूंगा, जल्दी करो। 5 मिनट में उसकी भूख हो जाएगी और मेरे बाल हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेके आना है। देखो ये दोनों लाइटें ऐसी खराब हो रखी हैं, अंदर फिशेस तो डालनी डालनी है। इसको हम सोच रहे हैं इसको वापस दे के आ जाए, इसको दे आए क्या करें, बिल्कुल प्रिंट समझ में आता है। मेरे को लग रहा है मार देगी उनको। नहीं इसको तो निकालना पड़ेगा वरना इनकी आपस में इनकी बनती नहीं है। अंदर के लिए कुछ लाइट वाइट भी लेकर आएंगे और भी चीजें लेके आएंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। हाँ इसको ले जाएंगे साथ गाइस, इस वाली फिश को हम साथ ले जाएंगे, उनको दे देंगे वैसे ही। और उसके मतलब ये जो उसके साथ की और फिश होंगी ना उसमें डाल देंगे। तो अभी यही वाला पानी पॉलिथीन में भर के थोड़ा सा पता नहीं कैसे करना होता है वो मैं यूट्यूब पे देखूंगा वीडियो। ऑक्सीजन लेके थोड़ी सी उन्हीं, तो ऑक्सीजन भर देगी उससे ना, भर दोगे फिश को पकड़ के ना उन्हें मुंह से मुंह लगा के कर देना उसको, मुंह में ही भर के मुंह से। गाइस मैं खा रहा हूँ पाव भाजी, अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ। रेडी? Yes. तो भाई हम लोग निकल गए यार, गुनीत का डोनट भी निकलूंगी, थोड़ा सा मेरे को भी देना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है। और मैंने किए एक ही लिया है, पापा के लिए, पापा का ध्यान नहीं रखते आप जरा भी। हाय ये हाथ, आजा आजा मेरे कानिया पहलवान, चलो बैठो। मम्मा का बैठी, मुझे लगा मम्मा ही गाड़ी चलाएंगी आज, मेरे को लगा तू गाड़ी चला रही है। तो भाई हम लोग निकल गए हैं और मिलते हैं आपको सीधा फिश एक्वेरियम शॉप पे। हाँ, मिलते हैं डायरेक्टली। हाँ, एक्वेरियम शॉप। इतने टाइम बाद आ रही है फनाई फिश हमारे घर। अच्छा, पापा, हाँ। पापा, पापा, पापा। आज तो पूरा हमें एक्वेरियम क्लीन करना पड़ेगा। एक तो हो सकता है ये वाला जो व्लॉग है आपको दो पार्ट में देखने को मिले। नहीं, जो हम एक बार पहले लेके नहीं आए थे उसमें हमारे आपने क्लीन भी करा था, कुछ डाला था ब्लू से, वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया था 2 दिन में। सब कुछ लेके आएंगे, उन्हें पता नहीं क्या क्या लेके आएंगे। अच्छा, अब लेट हो रहे हैं बहुत। डोनट लाए वापस? हाँ ले आइए, ले आइए। ले गुनीत सो गई हमेशा की तरह। आ जाओ बाबू, पहुंच गए हैं सतिंदर के इलाके में, आ गए हम। सतिंदर शादी से पहले यहाँ रहती थी, पता है आपको। ये देखो यहाँ पे फिश ही फिश है, ये देखो गाइस, देखो ये पूरा ना हम आए लक्ष्मी नगर में फिश एक्वेरियम होम में। और देखो जरा बोलती है रोटी है, रोटी है, बड़ी भी है, बसलोर पे बड़ी बड़ी भी है। नाइट फिश तो बड़ी चाहिए हमें ना। ये किसके साथ रहती है? ये आपका सिल्वर साग, टिम्पल वार और आपके छोटे ब्रीड के साथ चल जाएगी। इनके साथ? हाँ जी। और कोई यूनिक हो जिस तरह चले? इसके साथ भी चल जाते हैं, हर किलो टिम्पल वार के साथ। अच्छा, ये और नाइट फिश सबसे ज़्यादा चली है हमारे पास। ये भी थी हमारे पास, ये डिस्कस नहीं है, ये इसका नाम, इसका नाम नहीं आ रहा, ये एंजल फिश है। कौन सी? उन्हें ये नहीं ले सकते बाबू, जो हमने ब्लैक घोस्ट लेनी है ना, ब्लैक घोस्ट के साथ जो लेनी है वो लेंगे। ये देखो उन्हीं की एरी कितने का प्यारी है, ये देखो कितनी कलरफुल है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, में डर। ये क्या है? ये कैसे कीड़े हैं? वो कह रहे हैं ये वाली डाल सकते हो तुम। रेड पैरेट? ये रेड पैरेट, ये रेड पैरेट है, ये येलो पैरेट है, ये है व्हाइट शार्क, ये लेनी है? नहीं, 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 जो उसके साथ रह सकती है वही ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते। ये देखो मर जाते हैं, ये रख सकते हैं, ये कौन सी है? ये रख सकते हैं। उन्हें बताओ ये वाली कितने लें? 2-3 5 और 6 कितनी फिश हो गई? 11 फिशेज हो गई। हाँ दे रहे, बड़ी अच्छी अच्छी निकाल रहे हैं वो। ये गाइस वॉशरूम के लिए जगह ढूंढ रहे हैं इनको। वॉश मोमोज़ से होगा,
मुझे क्या पता वहाँ पे था वॉशरूम, वहाँ कर लो अंदर। चलो क्या पता उन्होंने, वैसे रेस्टोरेंट वाले ना कभी मना नहीं कर सकते, ये लॉ है, किसी भी रेस्टोरेंट में वॉशरूम करने जा सकते हैं। और ये गाय सुंदर का इलाका है, यहाँ पे सुंदर से मैं मिलने आता था बहुत दूर दूर से। तब मिलने आते थे, अब पास में आती हूँ, सब नहीं पूछते। अब नहीं मिलने का मन करता, अब भाग यहाँ पे। तो वॉशरूम जाने के लिए ये देखो एक ये ना बर्गर, यहाँ पे जाके खाना है कुछ, खाना है कुछ खाने, तो आपको एक एक बर्गर खा लें, एक एक बर्गर मेरा फेवरेट येलो। अच्छा आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। क्या खा रही है? मैं ये हमारे बर्गर में से एक बाइट लेगी बस, है ना? और मोहितो, हाँ उन्नीत आ गया, उन्नीत खा के देखो कैसा लगा। अच्छा लगा, शुक्र है इसको कुछ पसंद आया, वरना ड्रामे करती रहती है ये खाना। अच्छा चले चले को नहीं जल्दी करो को नहीं फ्रीज यार, चले फटाफट लेट हो रहे हैं, फिशेज अकेली हैं, चलो बैठो। उन्हीं ये देखो यहाँ पे वो से नीचे फिशेज पड़ी है, जरा ध्यान से जाना ठीक है, ऊपर लेट देना, आप जाओ बैठो। आया है ये क्या लग गया, बॉटी लग गई, चलो बैठो जल्दी। सो गाइस खाना पीना भी हो गया, हम जा रहे हैं घर। ये है शॉप जो ये लक्ष्मी नगर में है, और इसका नाम है फिश एक्वेरियम होम। किसी को होलसेल में फिशेज या फिर डॉग फूड वगैरह लेना हो तो यहाँ से ले सकते हो। तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, हम जा रहे हैं घर। घर पे जाके पूरा घर पे जाके ये फिशेज हम डालेंगे, साफ करेंगे और इनकी कुछ दवाइयां डालेंगे। हाँ वो वाला ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी बहुत सारा काम है, फिश एक्वेरियम का जो पानी ना वो चार घंटे में उसमें लगेंगे, ऐसी ऐसी हो जाती है। और हरप्रीत को सारा मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ सब कुछ करना पड़ेगा अभी। तो गाइस चलो अब हम जा रहे हैं घर, एक डेढ़ घंटा लगेगा हमें घर पहुंचने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, अभी कर दो लाइक, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो, ठीक है, बाय।